राउंड वन का हमारा कट ऑफ है, लास्ट ईयर हमारा 491 पे मिला हुआ था, 94,000 रैंक थी, तो मैं बोलूंगा अगर हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के एक टॉप कॉलेज के बारे में, टॉप एमबीबीएस कॉलेज के बारे में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज यही आ रही थी कि यूपी में सर नंबर वन मेडिकल कॉलेज कौन सा है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा श्री राम मूर्ति जो हमारा बरेली में है कॉलेज, इस कॉलेज, ये हमारा जो कॉलेज आता है वो नंबर वन पे आता है। ये कॉलेज सबसे ज़्यादा डिमांडिंग भी रहता है। अब यूपी के जितने बच्चे होते हैं अगर उन्होंने 500 अबव स्कोर कर रखा है तो वो इसी कॉलेज को टारगेट कर लेते हैं, तो ये एक तरह की मैं बोलूँगा उनकी ये मिस्टेक होती है। तो मैं बोलूँगा कि आप 500 प्लस वाले को क्या अप्रोचिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से काउंसलिंग करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा। अब मैं बोलूँगा यूपी के अंदर के जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 450 से 500 के बीच का अगर नंबर है, 520 तक भी है तो मैं बोलूँगा आप एक बार यूपी अप्रोच कर लो। 520 के ऊपर यूपी मत अप्रोच करना, आप इट्स मीन अगर आप अप्रोच कर रहे हो 520 के बाद भी, तो इट्स मीन कि जो आपका एक स्कोर है, एक नीट का स्कोर है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक हम सेकेंड वीडियो इस पर जो बनाने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँ अभी से, जो सेकेंड वीडियो मिलेगी कि अगर जिसका 500 अबव भी है ना तो उसको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, या तो अपना लो बजट में अगर वो देखना चाह रहा है तो लो बजट वाला कॉलेज भी टारगेट कर सकता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी टारगेट कर सकता है, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो जहाँ तक लास्ट ईयर का फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, 12.72 यार, तो 12.72 का फी स्ट्रक्चर है, तो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं कॉस्टली भी पड़ जाता है। अगर यही हम 520 के ऊपर की स्कोरिंग अगर हम श्री राम मूर्ति लेते हैं, ठीक है ना, 520 के ऊपर स्कोरिंग अगर हम श्री राम मूर्ति लेते हैं तो उस केस में बेटर हो गए हम तो कोई 10 लाख रुपीज़ का पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर कॉलेज आइडेंटिफाई कर लें, है ना। अगर 550 अबव है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, तो 10 लाख रुपीज़ का आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं देन 3 लाख रुपीज़ पर ईयर का आप अपना मनी जो है सेव कर सकते हो। अब इसके ऊपर दो तरह की ऑडियंस होती है, एक तो होता है जिसका बजट का कोई सिव नहीं होता तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं कॉलेज जो टारगेट करे वो अच्छा कॉलेज टारगेट करो एटलीस्ट। अब जिसके साथ बजट कैसे हो वो यहाँ पर अपनी चीज़ें थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर सकता है। तो 100% जो भी सीट होंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वो होनी क्या है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो यार सबसे पहले एमसीसी का नोटिस और शेड्यूल आज है, उम्मीद करता हूं आज या कल में रिलीज कर देंगे, अगर आज आ जाएगा तो इवनिंग में मैं लाइव भी आऊंगा। दूसरा चीज की जो यूपी का कब तक रिलीज होगा, तो मैं यूपी का बोलूंगा कि आप ऐसे समझ लो कि यूपी का लेकर चलो कि जब एमसीसी का जब फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा होता है तो देन एमसीसी का रिलीज हो जाएगा। तो आप अगर डेट के टर्म्स में बात करो तो आप ले सकते हो 25 से 28 नवंबर के बीच में यूपी का शेड्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है, 25 से 28 नवंबर के बीच में रिलीज हो जाएगा अगर एमसीसी का आज या कल में से रिलीज हो जाता है, ठीक है, टुडे अगर एमसीसी का आज या कल रिलीज हो जाएगा तो देन यूपी का आपको यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अब जितने भी लोग अदर स्टेट से है ना उनके साथ में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये भी आ रही है, जो भी लोग अदर स्टेट से है वो काउंसलिंग अप्रोचिंग पूरा प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं, तो जिसको भी लेकर कुछ प्रोसेस को लेकर दिक्कत है तो स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, आप हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं वहाँ से, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर लो, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो, आप जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो सारी की सारी हेल्प मिल जाएगी। और बहुत ही जल्द ई बुक भी रेडी हो चुकी है और आपको ई बुक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी और प्रिडिक्टर एप्लीकेशन पर भी आने वाला है, तो आपका यूपी के स्टेट काउंसलिंग प्रिडिक्शन हो, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कोई भी स्टेट की काउंसलिंग का हो, सारा का सारा आपको प्रिडिक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग को अगर आप देखना चाह रहे हो तो उस पर भी प्रिडिक्टर पूरा का पूरा प्रिडिक्टर मिलेगा, आपने रैंक डालो आपको जिस स्टेट जिस काउंसलिंग के थ्रू पता करना आप सारा का सारा पता कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं श्री राममूर्ति की, लेकिन जो आगे की अपडेट्स है इसलिए मैंने बताया कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो अभी हमारा यूपी के अंदर जो श्री राममूर्ति है, ठीक है ना, सॉरी स्वरूप बोल दिया मैंने क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज है एक, तो यहाँ पर जो राममूर्ति कॉलेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बरेली में है। दूसरा चीज़ तो कुछ स्टूडेंट्स को ना लोकेशन का भी दिक्कत रहता है, तो एक तो यहाँ पर फायदा ये कर सकते हो कि अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बढ़िया जगह ले सकते हो, थोड़ा सा लोकेशन का इफेक्ट रहता ही रहता है। दूसरा चीज़ थोड़ा सा आप एक बार कैंपस जाकर जरूर विजिट कर लेना, जैसे आप कर्नाटका कोई कॉलेज दे रहे हो आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं बोलूँगा एक बार जाकर जरूर कैंपस विजिट करो, वहाँ के स्टूडेंट्स से जो सीनियर आप उनसे बात करोगे तो आपको कॉलेज का रियलिटी थोड़ा सा पता चल जाएगा। यूपी में आपका 3 लाख रुपीज़ का एक तरह का वन टाइम पेमेंट होता है, सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करना होता है। हॉस्टल आप 2 लाख रुपये के आसपास ले लो, 2 लाख रुपीज़ पर ईयर, वैसे 1.75 है फिर भी आप 1.7 एसी था और 1.5 नॉन एसी था, ठीक है ना। उसके बाद 80,000 का आपका मिसलेनियस चार्ज रहता है और यूपी पर हम बहुत ढेर सारी वीडियोज़
और भी बना चुके हैं और आगे भी वीडियोस आप सभी को मिलती रहेंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा एक छोटा सा कंपेरिजन है, शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में है। अब आप ये मत बोल देना कि यार शारदा क्यों लिया हुआ है। अब मेरे को एक ऐसा कॉलेज चाहिए था जो अपनी थोड़ी सी दिल्ली NCR की लोकेशन को टच करता हो, बिकॉज दिल्ली के बच्चों के साथ एक ये दिक्कत आती है, जो गुड रैंकर होता है ना उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई प्राइवेट कॉलेज है नहीं। तो जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक एडवाइस यही दूंगा, आप हमारी टीम से डायरेक्टली कंसल्ट करो, आपको एक बेस्ट ऑप्शन जो भी आपकी स्कोरिंग पर एक सुटेबल कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है वो आपको बता दिया जाएगा। तो वहां पर क्या है ना कि और भी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज तो और भी है, लेकिन वहां पर जो अच्छा कॉलेज है वो शारदा यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए मैंने दैट्स व्हाई की थोड़ा सा लोकेशन कंपेरिजन करने की कोशिश की हुई है। और ये राउंड वन का हमारा कट ऑफ है, लास्ट ईयर हमारा 491 पे मिला हुआ था, 94,000 रैंक थी। तो मैं बोलूंगा अगर 1,00,000 रैंक है तो आप श्री राम मूर्ति के लिए टारगेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलूंगा जिसका 50,000 हो, 40,000 हो, है ना, 60,000 है, तो आपके लिए ना श्री राम मूर्ति नहीं बना हुआ है, आपके लिए कुछ और अच्छे कॉलेज ऑप्शन है, समझो बात को। काउंसलिंग एक ऐसा पार्ट है कि आपको कोई भी कॉलेज ऑप्शन एकदम से घुमा सकता है, क्योंकि राउंड वन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको अपडेटेड रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये तो आपका राउंड वन का हो गया, राउंड टू में कट ऑफ आपकी और ऊपर चली जाती है, तो राउंड टू की कट ऑफ पे तो कोई बात करने को बेनिफिट होगा नहीं। मैं बोलूंगा कि अब ये जो कैंडिडेट रहा होगा ना 52,000 रैंक लेके बैठा हुआ, लेकिन कॉलेज क्या है कि ना वो अपना बजट बचा पाया और ना ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और अच्छी जगह पे ले पाया। अब इसके पास में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस बन सकते हैं, उस पे हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, तो इसलिए दूसरी वाली वीडियो जरूर देखना। अभी जो राउंड वन का ये डेटा है, ठीक है ना, ये शारदा यूनिवर्सिटी का 448 पे मिल रहा है, 1,33,000 रैंक तक मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा जिसका 1,50,000 रैंक तक है वो अपनी उम्मीद रखना। और एक जो सबसे ज्यादा एरर और जो मिस्टेक मुझे देखने को मिलती है, तो आप लोग बहुत जगह से कहीं ना कहीं से काउंसलिंग सर्विस अवेल कर रहे होते हो, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताऊं कि आप राउंड वन की आप काउंसलिंग करते हो, उन्होंने कोई आपको एक कॉलेज ऑप्शन बता दिया, वही आप एक कॉलेज ऑप्शन फिल कर देते हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होती है। अगर वो इन केस अगर उस कॉलेज की कट ऑफ हाई चली गई और आपको कॉलेज अलॉटमेंट राउंड वन में नहीं आया, तो मैं आपको बताऊं ट्रस्ट में कि आपको आगे के राउंड में से भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी आप कॉलेज ऑप्शंस लेकर चलो, एटलीस्ट 3-5 कॉलेज ऑप्शन, 3-4 कॉलेज ऑप्शन तो लेकर चलो ही, हार्डली फिलहाल मिनिमम तो आप 3 लेकर चलो, 3 में एक बार कॉन्फिडेंट आ जाता है, लेकिन एक कॉलेज पे आई डोंट नो कि कैसे कॉन्फिडेंस लोग क्रिएट करते हैं, तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो भी मिस हो जाएगी और आपको एक अच्छा सा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो शारदा यूनिवर्सिटी के साथ जो कंपेरिजन था, आपको 1,50,000 रैंक तक मिल रहा भैया, 1,00,000 रैंक तक मिल रहा, वैसे 1,33,000 तक गया हुआ है, तो हम 1,30 भी एक सेफ स्कोर लेकर चल सकते हो, 1,50 तक वाले यहाँ के लिए अप्रोच कर सकते हैं शारदा यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन मेन जो टक्कर जो कंपेरिजन चल रहा है जो दूसरे को, अब इसमें बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी जिसको श्री राम मूर्ति मिल सकता था लेकिन उसको शारदा यूनिवर्सिटी मिला, तो इस पर हम फिर कभी बात करेंगे लाइव सेशन में। लेकिन यहाँ पर आप जस्ट इतना समझ लो 1,30,000 तक यहाँ पर जा रहा है और 1,00,000 रैंक तक आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अब मैं बोलूंगा जिसको लोकेशन प्रेफरेंस देना है वो शारदा यूनिवर्सिटी को दे सकता है, कैंपस बहुत प्यारा है, कैंपस दोनों में कोई कमी नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा एक डिमांड की बात होती है, अब हमेशा से बरेली डिमांडिंग रहा है श्री राम मूर्ति, देन दैट्स व्हाई कि आप उसके लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन अभी मैं बात करूँ कि एक नया वीडियो आने वाला है कि 500 के ऊपर स्कोरिंग जिसकी है उसको कौन से कॉलेज टारगेट करनी चाहिए, किस तरह से अप्रोचिंग स्किल्स रखनी चाहिए। तो ये कंपेरिजन आई थिंक आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, है ना। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा। दूसरा वीडियो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, ये कुछ मैंने प्लान करके रखा होगा कि 500 के ऊपर कौन कौन से आप कॉलेज को अप्रोच कर सकते हो, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हो, केरला हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और भी कुछ अपने स्टेट का आप टॉप कॉलेज भी अप्रोच कर सकते हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।